राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को। आज भी एक और क्रॉस ब्रीड की फर्स्ट टाइमर बछड़ी, तो हरियाणा और जर्सी क्रॉस, ये बड़ा बहन गांव है हमारे यहाँ, बड़ा बहन बहनी चंद्रपाल, वहाँ से ये क्रॉस प्रेग्नेंट होने के लिए आई भाई। और देखो, ये जागरूकता होनी जरूरी है भाई, जब क्रॉस ब्रीड के ऊपर आप हरियाणा यूज़ करोगे ना, जिसमें हरियाणा के गुण ज़्यादा होंगे तो ही बात बनेगी भाई। इसमें बछड़ी में देखो हरियाणा मोस्टली ज़्यादा ही है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, पैर है, पूंछ है, साचा, कान, मुंह, ये मोस्टली हरियाणा है। 60% 70% 60% ला लो, 30% 40% दूसरी ब्रीड होगी इसमें, तो इसके चांस भाई हरियाणा के पैदा करने के बढ़िया हैं। और आगे तो ये जब पैदा कर लेगी, बैलेगी, तब पता चलेगा। पहले ब्यात की बछड़ी है, आज 24 तारीख है शायद। हाँ भाई, हाँ बस, ये भाई हमारा महाराज भाई, आज तक परमात्मा का, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा परमात्मा ने जो मेरे भाग में दिया है भाई, इसको और आप लोगों के को सेवा करने का मौका मिल रहा है भाई। मैंने अपनी हरियाणा नस्ल का संवर्धन का मौका मिला इस नंदी महाराज की, उससे तो भाई गौ माता प्रेग्नेंट करवा कर लेके जाया करो, जो भाई लेने में सक्षम है बार बार बोला जा है। 2 साल भी अगर ब्रीड के ऊपर फोकस कर देंगे लोग, तो बहुत जल्दी ब्रीड सुधर जाएगी अपनी। हरियाणा विलुप्ति के कगार पर हो चुकी है बिल्कुल भाई, रियल ब्रीड जो है वो विलुप्ति के कगार पर हो चुकी है। जो इन क्रॉस ब्रीड ने और जर्सी एचएफ ने जो जगह इनकी ख़त्म करी है, वो अब दोबारा स्थापित करो, ताकि भी हरियाणा नस्ल आ गए टाइम में फिर अपने आने वाली पीढ़ी को देखने को मिले ना, तो आगे ऐसा काम हो जाएगा भाई। 10-15 साल पाँच फोटो है मैं दिखा करेंगे ये खगड़ और गाय, आने वाली पीढ़ी फिर नू पूछा करे भाई ये है क्या, कौन सी नस्ल है, बतानी पड़ा करेगी। ऐसा काम मत करो, आजा बोले आजा। इसकी माँ किसी थी जी? माँ इसकी नीले रंग की, देसी थी, देसी प्योर। लो भाई, इसकी माँ हरियाणा ब्रीड की थी, नीले कलर की। कहाँ थी इसकी माँ? बैनी चंद्रपाल मई। बैनी चंद्रपाल मई, फरमाना से आई थी वो बछड़ी। बैने अगला जो फरमाना गांव है, फरमाना गांव से इसकी माँ आई थी, और वो हरियाणा ब्रीड की इसकी माँ थी, प्योर प्योर हरियाणा थी, प्योर देसी। और ये कौन से टिक्के विक्के की, कौन से की पैदा हुई? ये पता नहीं उसने कौन सा लगाया, ये डॉक्टर की कमी है भाई, ये कोई सीमन लगाया है, कोई एचएफ जर्सी का, कोई क्या पता किसका, पर इसकी माँ हरियाणा थी, तो पॉसिबिलिटी है हरियाणा ब्रीड ये पैदा कर दे। इस पीढ़ी में नहीं प्योर देगी तो अगली पीढ़ी इसकी बिल्कुल प्योरिटी में आ जाएगी, तो ऐसे ही नस्ल बनेगी भाई। अब देखो ये बुल के ऊपर जंप करिए। और एक और मेन बात मैं आज बता दूं, जो भी भाई प्रेग्नेंट कराने के लिए लेकर आवे है, वो ये बात ध्यान रखे, जब आपकी गाय है या बछड़ी है वो जब दूसरे पशु के ऊपर जंप करने लग जाए ना, हिट में आए, उस टाइम लेकर आया करो भाई, क्योंकि वही 5-6 घंटे 7-8 घंटे का नंदी का प्रेग्नेंट होने का टाइम पीरियड होता है गाय का, जिस टाइम गाय या बछड़ी आपकी दूसरे पशु के ऊपर या आप खोलोगे बांधोगे जब आपके ऊपर जंप कर दे, तब उसका प्रेग्नेंट होने का टाइम होता है 5-7 घंटे का नंदी महाराज से, नहीं तो फिर उसका अन्यथा टाइम पीरियड रह जाता है फिर सीमन का। ये बहुत बार बनती है ये बात, यहाँ कई भाई लेगा आते हैं दूर से, जो वो थोड़ा ये सोचते हैं भी ये तार दे रही है, बड़वे दे रही है तो ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, पर तार बड़वे का कोई हिसाब नहीं भाई, तार बड़वे तो जरूर देगी, पर जब कूदने लग जाए ना दूसरे पशु के ऊपर, उस टाइम पे आप नंदी के पास ले जाओ, आपके यहाँ आस पास ले जाओ या कहीं भी, वो नंदी से प्रेग्नेंट होने का टाइम होता है भाई। हाँ बस, बड़ा सीधा, बड़ा शांत स्वभाव का भाई, तो भाई जल्दी ही आने वाले 1-2 साल में भाई उम्मीद है मेरी भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रीड अपने रुद्रनाथ की आपको देखने को मिलेगी, और
एक साल डेढ़ साल बाद इसके बच्चे यहाँ ब्याह भी जाएंगी, सिमन की भी और डायरेक्ट की भी। हाँ क्या बात है, ले भाई बस मेरे पास आ जा बस भाई, इतना है ये, मतलब कोई भी आ जा भी इसका सिर आगे कर देगा। अब भाई मेरे खुजली करो, खाज करो, पुचकार दो, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। लो भाई ये है इसका गुण भाई, बोलेगा भाई राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को, बस चल नून चल पागल, ध्यान रखिया करो भाई, जो बात वीडियो में बताई जाओ उसने थोड़ा गौर से सुना करो।